हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई एम रितु एंड वेलकम बैक टू रितुस कुक एंड डेकोर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरा कुकी, जो कि है एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी लेस इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली इजी और टेस्टी रेसिपीज। साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं मुरमुरा कुकी बनाना। तो यहाँ पर हमने लिया है छोटे पीसेस में कट करके एक कटोरी गुड़, और उसी कटोरी के मेजरमेंट से हमने लिया है यहाँ पर तीन कटोरी मुरमुरा। एक और तीन, ये एकदम परफेक्ट रेशो है, इससे आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मुरमुरे को ड्राई रोस्ट। इसे हम एक पैन में डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। कलर इनका चेंज नहीं करना है, व्हाइट ही रखना है, बस इन्हें क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। मुरमुरों को हम परमल, लाई और लैया भी कहते हैं। विंटर सीजन की ये एक हल्की फुल्की सी स्वीट है, जो बहुत हेल्दी और टेस्टी है, और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। 2 से 3 मिनट में लो फ्लेम पर ये क्रिस्प हो जाएंगे, और इस तरह से दबाकर हम इन्हें चेक कर लेंगे, और ये टूट रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें हम साइड में रख देंगे। और उसी पैन में अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। आप जब भी मुरमुरे की पट्टी लाते होंगे या लड्डू लाते होंगे, आपने देखा होगा इसमें एक शाइन होती है, वो शाइन घी की वजह से ही होती है। तो जब भी आप ये मुरमुरे के लड्डू, चिक्की या ये पट्टी बनाएं, तो घी का यूज़ ज़रूर करें। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। पीसेस में कट करने से एक तो मेन बात ये होती है कि जो हमें इसका मेजरमेंट करना है वो अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। अगर हम बड़े बड़े पीसेस को कटोरी में रख के मेजरमेंट करेंगे तो वो अच्छे से आप उसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में चाकू से काट लें और उसका मेजरमेंट करें, और साथ ही ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। मेल्ट करते टाइम पे आपको फ्लेम को एकदम लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए आप मेल्ट करेंगे। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसमें मेहनत नहीं लगती है, तो आप इजीली इसे घर में ट्राई कर सकते हैं। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और धीरे धीरे इसमें बबल्स भी दिखाई देने लगे हैं और ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो ये मुरमुरा बनाने के लिए तैयार है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें लेंगे पानी, और पानी में हम इसकी कुछ बूंदें डालेंगे और इसे हम उठाकर चेक करेंगे। और इस तरह से देखिए, ये अभी बहुत लचीला है और साथ ही ये इस तरह से खिंच भी रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अभी तैयार नहीं हुआ है। तो इसे थोड़ी देर हम अभी और पकाएंगे। बहुत जल्दी ही गुड़ गाढ़ा होने लगता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसे 1 से 2 बार बीच में चेक कर लें। तो अब ये देखिए और गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ये ड्रॉप डालेंगे, और अभी ये ड्रॉप गर्म है तो 1 सेकंड रुक के हम इसे फिर से चेक करते हैं। और ये देखिए अब इसमें लचीलापन कम हो चुका है, ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है और अब ये खिंच भी नहीं रहा है। और जितनी देर हमने इसे चेक किया है, ये नीचे और पक चुका है, तो इस समय हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें मुरमुरे ऐड कर देंगे। अब हल्के हाथ से चलाते हुए हम गुड़ और मुरमुरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस आप थोड़ा सा फटाफट करें, क्योंकि अगर गुड़ जमने लगेगा तो आपकी जो शेप है वही रह जाएगी। लेकिन बिना प्रेशर दिए हुए, बिल्कुल हल्के हाथ से, वरना मुरमुरे टूट जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब हम बना लेते हैं मुरमुरा कुकी। ये सारा प्रोसीजर हमें गर्मा गर्म मिक्सचर के साथ ही करना है, तो हाथ पर पानी लगाकर ही आप इसे हाथ में लें। और यहाँ पर कुकीज बनाने के लिए हमने ले लिया है राउंड शेप का कुकी कटर, और इसके बीच में हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, और इसके बीच में मिक्सचर को रख कर हल्के हाथों से प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद ये कुकीज की शेप ले लेगा और बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। और लीजिए, तैयार हो चुकी है ये मुरमुरा कुकी, और लग रही है ना एकदम बढ़िया सी। ये इसी तरह से हम सारी कुकीज बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। और किसी मीडियम साइज की बॉटल के कैप में रखकर भी आप इनको ये शेप दे सकते हैं। और लीजिए, तैयार हो चुकी है ये मुरमुरा कुकी। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से पिस्ते के साथ में। अभी ये गर्म है तो पिस्ता भी इन पे आसानी से चिपक जाएगा, और ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यूज ना करें। और इतने सारे मिक्सचर में हमारी लगभग 11 से 12 कुकीज बनके तैयार हो जाएंगे। पूरी तरह से ठंडा होने तक आप इन्हें इसी तरह से हवा में खुला रखे रहने दें, और
ठंडी होने के बाद आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और महीने भर तक इसका मजा ले सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।